Hello everyone, कैसे हो सब? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा गाइस। तो आपको तो पता है ये मेरा झूला है, यहाँ पे झूलती रहती हूँ। नॉर्मली मैंने अपने द्वारा बनाया, बार बार नहीं बोलूँगी। तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन, ताकि आपके पास मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स सी। वाओ, सो अमेजिंग, बहुत सुंदर मौसम हो गया गाइस यहाँ पे, काफ़ी अच्छा। आज अपने घर का होम टूर कराऊंगी गाइस मैं आपको। तो गाइस घर के सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। सामने तो गाइज मोड़ के उस पार ये मेरी एक नेपाली दाई की रसोई और बाथरूम है, और रूम उधर को तो है। सामने मोड़ है, घर की बालकनी से कुछ नज़ारा इस तरह का है गाइस। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं हमारे घर के सामने, और ये मोड़ बिल्कुल घर के पास में एक मोड़ है बहुत तीखा सा। और आप देख सकते हैं जैसे ही रोड से एंटर करते हैं गाइस तो ये मेरा गार्डन आ जाता है। तो गार्डन में भी फ्लावर कम है आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स मैंने इस साइड से लगा रखे हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आपको नज़र आ रहे होंगे तो आप ज़रूर देख सकते हैं इनको। अभी फ्लावर फूल पर नहीं है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो गाइस मैं आपको ऊपर वाली बालकनी से नज़ारा दिखा रही थी, और सामने एंजल, एंजल के पापा और मेरे पापा मतलब यानी मेरी जीजू। और तो गाइस फिर मैं आपको अभी फ्लोर दिखा रही हूँ। तो गाइस इस रूम में जब हमारी एंट्री होती है, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ये रूम दिखाए थे। तो गाइस ये रूम तो आपने ऑलमोस्ट देख ही लिया था, है ना गाइस? ये रूम तो आपने देख लिया था, और ये बहुत ही सुंदर है रूम। ओके, तो गाइस आपने ये वाला रूम भी देख दिखा नहीं होगा, फिर से दिखा रही हूँ। तो बहुत खलारा मचा था, बट अभी इसमें तो खलारा नहीं है। आप इस रूम को भी देख सकते हैं, ये भी सेमेट्रिक एक हमारा एक खाली खाली रूम पड़ा है। तो गाइस इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, और नेक्स्ट रूम जो है वो दिखाती हूँ फिर। तो गाइस और ये और एक रूम है, अब हमने यहाँ पे बेडिंग कर दिया क्योंकि शादी ख़त्म हो चुकी थी। और ये खूबसूरत नज़ारा, यहाँ से पीछे वाले रूम भी मैंने दिखाए थे, कुछ स्टोर पड़े हुए। तो गाइस यहाँ से बाहर का तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा रहता है इस बालकनी से। ये देखिए हमारे आरू लगे हुए हैं, जिसको हम ये देखिए पीच बोलते हैं इंग्लिश में, तो अब हम आरू ही बोलते हैं गाइस। तो ये चेरी के पेड़ है, और बहुत सुंदर गार्डनिंग है, और एप्पल है उधर को, अखरोट है और पलम है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं हमारे गाइस घर के अपने ही आंगन में, तो आप देख सकते हैं। और इसके साथ में आपको मैं अपना ओल्ड होम भी साथ साथ में नज़र आ रहा होगा, इसके सीध में ही है ऊपर ये वाले फ्लोर में, ये ऊपर वाले फ्लोर के साथ ही आता है गाइस। तो गाइस अब चलते हैं ऊपर की ओर। गाइस ये फ्लोर तो आपने पहले भी देखा था, बट फिर मैं फिर वंस अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए सारे बालकनी में एंजॉय करते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पे हवा चलती रहती है सभी। हेलो एंजल। और तो देखिए हमारे कितने सारे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स खा खा के। ये देखिए ये येलो वाला पलम ही होता है, और ये रेड वाला अपने ही गार्डन से हम लाते रहते हैं, आजकल बहुत सारे फ्रूट्स हैं। तो गाइज ये तो आपने देख ही लिया, ये ही मेरा रूम है, आपने पहले भी देखा था। और ये अपना रूम का नज़ारा। तो उसके बाद आप सोच रहे होंगे बैक साइड आपने ये वाला फ्लोर भी देखा था गाइज। लाइट्स ऑन करती हूँ। गाइस ये आपने देख लिया था पहले, फिर भी वंस अगेन फिर दिखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी सफाई हो चुकी थी शादी के बाद, मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी थी।
ये देखिए बहुत ही सुंदर बन चुका था। क्लीन करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है सब, पर बच्चे शरारत करते रहते, थोड़ा हचपच होता ही रहता है। तो बाकी आपने देख लिया था, ये नजारा है क्या कि गैलरी भी आपने देख ही ली थी, और ये रूम भी आपने पहले देखा था जहाँ पे अन्ना पे भी टीवी दिख रहा है। और ये लड़का दिख रहा है आपको, बहुत ही शरारती तत्व है, बट इतना भी शरारती नहीं है, ये कार्टून ज़्यादा देखता रहता है। अन्ना आप क्या देख रहे हो? ये कल शाम से ना टीवी देख रहा है, पता नहीं कि टीवी में कार्टून 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 ही देखता रहता है ना। तो गाइस अब मैं आपको यहाँ से नेक्स्ट दिखाती हूँ रूम। अन्ना लाइट का ना बेटा बंद है ना। तो गाइस यहाँ से अंदर का रूम आपने देखा ही था पहले, आपको पता ही लग रहा होगा ये रूम किसका है, तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी थी। नेक्स्ट यहाँ से बाहर को हमारी बालकनी है, तो बालकनी से तो आपने ओल्ड होम का नज़ारा देख ही लिया होगा गाइस। ये देखिए ओल्ड होम, इस साइड हमारा ओल्ड होम, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है। यहाँ पे भी हमारी ये आग वाली रसोई, और हमारा गांव भी यहीं से ऊपर को दिखता है। ये हमारा ओल्ड होम, और ग्रीनरी देखिए गाइस कितनी अच्छी ग्रीनरी में रहते हैं हम पहाड़ों में, यहाँ से ऊपर को। ये देखिए गाइस ये मेरा ओल्ड होम है, तो ये भी बहुत सुंदर है, मट और वुडन का बना है पूरा। और ये देखिए निचला वाला फ्लोर में मिट्टी से पूरी लुपाई पुताई हुई है, और ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है ना, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। और नीचे आंगन बना हुआ है यहाँ पे सारे पत्थर का, और सामने हमारे गाय का खूट, और इधर को हमारा नया वाला होम, बहुत ही बेहतरीन ऊपर ऊपर को यहाँ से गाँव ही है गाइस। तो मुझे ज़रूर बताइए आपको हमारा घर के सामने का व्यू कैसा लगा। आपने किचन का नज़ारा अभी तक नहीं देखा था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी तो सारी क्लीनिंग हो चुकी है, सारे बर्तन धुल चुके हैं, तो एक ही डोंगा बचा है, बाकी तो आपने देख ही लिया होगा ये सारा नज़ारा। अब मैं खा रही हूँ एक बहुत ही अच्छा सा एप्रिकॉट, पका हुआ है, बहुत बहुत टेस्टी होता है खाने को। मेरा किचन है, किचन को ये वैसे ये है हमारी मेन एंट्री जो आपको यहाँ से दिख रही है, ये हमारी मेन एंट्री है। और ये यहाँ से एक हमारा एक अंदर डोर है जहाँ से मेरा किचन है, तो किचन के लिए आपको मैं यहाँ से एंट्री दिखाती हूँ। किचन है कुछ, किचन भी हमारा ऐसे पड़ा है खलारा खलारे से भरपूर, तो गाइस आप देख सकते हैं ये मेरा किचन। ओके गाइस आपने देख लिया होगा, सामने हमारा जो होम है उसको भी दिखाऊंगी अभी, ओल्ड होम। गाइस यहाँ से बाहर को एंट्री होती है, ये हमारा मेन डोर है वैसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं आपको, यहाँ से ये गैलरी है बैक साइड की। तो गाइस ये यहाँ से हमारा एंट्री होती है वैसे, इस साइड से, तो यहीं से हमारी एंट्री है। यह हमारा एक आग वाला किचन है जो आपको मैं भी दिखा रही हूँ। यह हमारा आग वाला किचन जहाँ पे हमारी परमानेंट आग जलती है, तो वो ये किचन है। यहाँ पे सिंक वगैरह भी है साथ में, हल्का फुल्का सर्दी हम यहीं पे व्यतीत करते हैं क्योंकि बहुत ही गर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर रहता है। यह देखिए ये हम ऐसे ही तंदूर में आग जलती रहती है सर्दियों में, वैसे गर्मियों में भी जलती रहती है। हमारा किचन भी आपने देख लिया, तो चलते हैं यहाँ से दूसरे घर की तरफ। तो यहाँ से आपने देखा है इधर को किचन, अब हम उधर को चलते हैं इस साइड से। तो गाइस नेचुरल पक्षियों की आवाज़ें कैसी आ रही है, पत्थर का ही बना है नीचे फ्लोर, और आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा ओल्ड होम है। अभी मैं आपको यहाँ से अंदर को चलती हूँ, यहाँ से ओल्ड होम की तरफ। तो गाइस ये मेरा ओल्ड होम है, यहाँ पे भी हम बैठते हैं, काफ़ी इंटरटेनमेंट होता है धूप में। तो गाइस कुछ खलारा पड़ा हुआ है देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मम्मी काम कर रहे हैं, ये हमारा अनाज भंडार है, यहाँ पे मम्मी अभी तक काम कर रहे थे, जो राजमा कुछ कर रहे थे साफ सफाई। तो गाइस ये हमारा बरंडा है, बहुत यूनिक सा है, देखो
कैसा लग रहा है गाइस, मेरा ओल्ड होम का बरंडा। तो ये एक रूम है यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ खोल के। ये रूम की एंट्री होती है, फिर यहाँ पे लाइट ऑन होती है गाइस। तो ये हमारा पूजा घर है, यहीं पे हमारी पूजा पाठ चलते हैं गाइस। ये सारा वुडन का है और मिट्टी, देखो तेरी मिट्टी में बस जाऊँ गाइस। यहाँ पे शादी की तैयारियाँ भी चल रही थी, तो कुछ इस तरह का भी व्यू था यहाँ पे। और थोड़ी देर बाद यहाँ से ऊपर को जाने का रास्ता भी है एक, ठीक है। तो गाइस आपने देख लिया, ये हमारा ओल्ड रूम। तो गाइस यहाँ से मेरा जो बरंडा है, यहाँ से नेक्स्ट डोर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक और रूम है जो पूरा लाइट जलाती हूँ ना गाइस, तभी ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। तो गाइस ये भी हमारा एक यहाँ पर रूम है, बचपन में हम इसी रूम में रहा करते थे, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे इस रूम में। तो गाइस यहाँ से बड़े और एक रूम है ओल्ड होम का, मैं आपको सारे रूम दिखा रही हूँ। बट गाइस यहाँ पे बहुत खलारा भी मचा हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी खलारा खलूरा मचा हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं इस रूम को भी, और यहाँ से भी बड़े एक रूम और है जो कि ये भी हमारा एक साइड रूम था, देख लीजिए गाइस ये साइड रूम है। बट यहाँ से भी एक रास्ता हुआ करता है बाहर को, जहाँ पे हम खेला कूदा करते हैं। ये हमारा वो खलियान, तो यहाँ से ऊपर गाँव। तो गाइस आपको वंस अगेन रिपीट करती हूँ, आपको मैंने ग्राउंड फ्लोर नहीं दिखाया तो मैं फॉरवर्ड में ये वीडियो लगाती हूँ। ये एक बार फिर मैंने बनाई थी, मैं अभी इसको जोड़ रही हूँ इसी के साथ में। तो वैसे ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ से हम ऊपर को जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर में ये शटर आपको दिख रहा है, यहाँ अंदर शटर है, सामान भी है। और यहाँ से गैलरी और दो डोर यहाँ से अंदर को है, यहाँ से सीढ़ी है। पहले फ्लोर को आप देख सकते हैं, यहाँ से बाहर को मेरी फूल की गार्डनिंग भी हुई है। और आप देख सकते हैं अभी मैं सेकंड फ्लोर में पहुँच चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो गार्डनिंग हुई है वो कुछ इस तरह की है। और यहाँ से एक अंदर का स्टोर है। तो गाइस यहाँ से एक एंट्री अंदर को होती है और एक यहाँ से ऊपर को जाती है। तो गाइस हम यहाँ से एक मेन डोर की एंट्री है, आगे गैलरी है और मेन डोर यहाँ से एक एंट्री होता है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ रूम्स दिखाऊंगी जो भी खुले होंगे। तो गाइस यहाँ पे भी एक रूम है कुछ वो इस तरह का है, मतलब यहाँ पे भी गेस्ट आते जाते रहते हैं पापा के फ्रेंड सर्कल वाले। तो गाइस फिर यहाँ से पीछे को भी एक रूम है इसी के साइड में, तो वो भी कुछ इस तरह का है। यहाँ पे भी ऐसी सीटिंग पोजीशन है। और फिर गैलरी में थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ रूम इस तरह का ही है। यहाँ देख सकते हैं कुछ सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है इस टाइम। तो गाइस यहाँ से गैलरी एक रूम और पीछे को है, बट यहाँ पे लॉक लगा है। यहाँ पे भी एक रूम है इस टाइम। और गाइस यहाँ से भी एक रूम है, वो भी कुछ सेटिंग पोजीशन में इस तरह का ही है। तो गाइस यहाँ से पीछे भी एक रूम है जो भी लॉकड है। यहाँ से पीछे किचन था हमारा, ओल्ड किचन, फिर यहाँ पे हमारा बाथरूम, आगे वॉशरूम। तो गाइस अब इसी गैलरी में मैं वापस चलती हूँ। तो ठीक है गाइस, अब मैं आपको यहाँ से नेक्स्ट छत्तीस डोर बंद करके जाती हूँ, और यहाँ से मैं आपको ऊपर ले जाती हूँ ऊपर वाले फ्लोर में। तो गाइस ये डोर खुल चुका है, तो अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ रवाना होते हैं। तो गाइस ये मेरी बालकनी है, बालकनी में यहाँ गुड मॉर्निंग में देख सकते हैं। और जैसे ही डोर ओपन होता है इस साइड से, तो ये फर्स्ट रूम मेरा ही आता है। तो फर्स्ट रूम में बहुत खलारा मचा हुआ है, देख सकते हैं आप चारों साइड का। तो ये मेरा रूम है और मुझे भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैं भी नजर आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। तो गाइस यहाँ से हम अंदर को एंट्री करते हैं, वैसे एंट्री इसकी दूसरी साइड से, बट मैं इस वाली साइड से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं, तो गाइस पहले तो मैं लाइट्स ऑन करती हूँ सारी। तो ये ड्राइंग रूम है, तो ये डाइनिंग टेबल, और इधर को मेरे सोफे आ जाते हैं। तो गाइस यहीं से मैंने अंदर को पार्टीशन दिया है जो मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ खलारा मचा हुआ है उसको आप इग्नोर कर देना। तो ये देखो एंट्री वैसे इस साइड से है, और तो फिर यहाँ से कुछ पार्टीशन कुछ इस तरह की है कर्टन्स की। तो फिर यहाँ पे सेटिंग पोजीशन वाली सारा यहाँ पे सेटिंग पोजीशन का है। हाँ यहाँ पे मेरे सारा सेटिंग पोजीशन में खाना वगैरह होता है। और तो रूम्स का कुछ हाल इस तरह का पड़ा हुआ है इस टाइम। तो वैसे ही रूम कुछ दूर से इस तरह का दिखता है, ये देखो कुछ बैक साइड का ऐसा व्यू, जैसे कर्टन से अंदर पॉइंट होते हैं तो ये कुछ इस तरह का व्यू दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे पापा का बार है, आप उस पर भी नज़र मार सकते हैं। ये देखिए
मेरे पापा का बार है, तो यहाँ से गाइस अब मैं चलती हूँ इस साइड को। तो जब हम इस साइड को एंट्री करते हैं तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये मेरी दादी का रूम है। तो दादी टाइम गुल मुल मिल गए हैं और तो काफ़ी ज़्यादा खलारा मचा हुआ है यहाँ पर। और गाइस आप देख सकते हैं दादी का रूम, यहाँ फिश टैंक लगा हुआ है और तो सामने साथ में दादी का रूम दिखा रही हूँ मैं आपको। और गाइस यहाँ भी काफ़ी खलारा मचा हुआ है अभी, यहाँ पर मैंने एक बेड लगा के रखा है। तो ये तो आपने देखा दादी का रूम, फिशेस भी देख रही मेरी बहुत सुंदर सुंदर फिशेस जो अभी मज़ा ले रही है पानी में तैरने का। तो गाइस सामने मंदिर है जहाँ दादी पूजा करते रहते हैं और सामने दादी करती भी। और गाइस यहीं से मैं बाहर निकलती हूँ तो यहाँ से आगे फिर मैं एक और रूम दिखाती हूँ गैलरी से। तो ये गैलरी ओपन करते ही ये डोर है जहाँ पे भैया का रूम है, इसका भी काफ़ी खलारा है रूम पे। तो ये भैया का रूम है आप देख सकते हैं, ये है मेरे भैया जी का रूम, ये इसकी अलमीरा और ये रूम। ठीक है गाइस अब यहीं से मैं बाहर को निकलती हूँ, रूम तो आपने देख लिया, लाइट्स ऑफ। तो गाइस यहाँ से आगे फिर एक गैलरी है, गैलरी से देख रहे हैं आप, गैलरी के सामने ही मेरा किचन है, किचन को ये वैसे ये हमारी मेन एंट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो गाइज कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर। आप भी करो एंजॉय मेरे साथ म्यूजिक। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।